जब शपथ कर दी, प्रभु ने हनुमान जी को बताया था कि श्री जी मुझे करुणा निधान नाम से बुलाते हैं और तुम यह नाम लेना, नहीं तो उन्हें विश्वास नहीं होगा। आज जब सीता जी ने पूछा कि बेटा ये बताओ, नर और बानरों का संग कैसे हुआ, और क्या तुम जैसे छोटे छोटे बानर हैं पूरी सेना में? बोले भैया कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कुछ बिल्ली के समान हैं, लेकिन भैया तुम चिंता मत करो। बोले भाई, सीता जी बोली भैया छोटे छोटे बानर हैं तो यहां राक्षसों से कैसे पार पाएंगे। जब हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया, कनक कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। आज हनुमान जी ने कह दिया मैया आप चिंता ना करो, मैं सब कुछ कर दूंगा। अरे ईंट ईंट लंका की कर दो, ईंट लंका की कर दूं मैया हो बिकलना। तुमने देखा मेरा बल माता जी, देखा मेरा बल माता जी, देखा मेरा बल माता जी। चिंता मत करो, मैं ईंट ईंट लंका की कर दूं। अरे ईंट ईंट लंका की कर दूं मैया हो बिकलना। तुमने देखा मेरा बलना, देखा मेरा बलना जी। फल खाने की अब तो मैंने ठान ली, फल खाने की आज्ञा मैंने मांग ली, फल खाने की मैया मैंने ठान ली, फल खाने की मैया मैंने ठान ली। ईंट लंका की कर दूं, मैं ईंट ईंट लंका की कर दूं मैया हो बिकलना। तुमने देखा मेरा बलना माता जी, देखा मेरा बलना माता जी, देखा मेरा बलना।
माता मोहे नाही, माता मोहे नाही, माता मोहे नाही। जो तुम सुख मानव मन माही, मानव मन माही, मानव मन माही। भैया मैं ईट ईट लंका की कर दूं, मैं ईट ईट लंका की कर दूं, मैया हो बिकना तुमने दीजानी प्रेम से बोले राघव सरकार। अशोक वाटिका में एक भी फल खाने लायक नहीं मिला हनुमान जी, मारे गुस्से के तोड़ दिए। सब रजनी चर कपि संहार, कछु पुकारत कछु अधमार। हनुमान जी ने 75% काम तो पहले नंबर जाके कर दिया था। कछु मारे कछु मर देसी, 25% कछु मारे, 25% मर देसी और 25% कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मर कटे बले। बचे खुचे हते सो जो दौड़ के पहुंचे रावण सरकार में, बोले महाराज बड़ी गड़बड़ बात हो गई, अक्षय कुमार को पहुंचाए, अक्षय कुमार को मार दिया। भाई अक्षय कुमार गओ, सो हनुमान जी बोले ही रावण के थे जितने हैं सब गड़बड़ ही गड़बड़ हैं, बाकी रही थी मोर हार जहां लग चूरा हैं, ई की तलवार को नाओ चंद्रहास जो गर्दन पे नाचती है, इसके तो सब उल्टे उल्टे नाम है। नाम है अशोक वाटिका, है शोक ही शोक है। अब जैसे ही अक्षय कुमार आओ, सो हनुमान जी ने सोची कि ई के सब उल्टे उल्टे काम है, ई को नाओ अक्षय। अक्षय माने जिसका क्षय नहीं हो, जो मरे ना जिसका क्षय नहीं हो वो है अक्षय। हनुमान जी ने सोचा तेरा टेस्ट करके तो देखें क्षय हो के नहीं हो, थोड़ा सा टेस्ट करके देखें, पेंसिलिन को लगा कर देखें कम से कम अगर फूल आए तो फिर नहीं लगाए, पेंसिलिन को बाएं में लगा दे तनक, हाँ अगर खुजे या फूले तो फिर लगाए नहीं, चेक कर रहे हैं हनुमान जी। अक्षय कुमार कक्षय कर दिया, पर हनुमान जी महाराज जय हो। जब अक्षय कुमार का क्षय हो गया तो अब मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ को जब भेजा मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र में बांधने का प्रयास किया। ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन की विचार, जो न ब्रह्म शर्मानो महिमा मिटई अपार। आप तो जानते हैं हनुमान जी पर कोई अस्त्र काम नहीं करता, हाँ सब देवताओं ने अपने अपने आयुध हनुमान जी को दिए हैं तो ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करेगा, लेकिन हनुमान जी ने मर्यादा की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और मूर्छित हो मेघनाथ बोला उठाओ इस बानर को, उठाओ इस बानर को। राक्षस बोले महाराज आप ही उठा लो, आप ही उठा लो। क्यों? अरे बोले महाराज अगर पकड़ लेगा तो समझ लेना कि गड़बड़ हो जाएगा काम, आप ही उठाओ। एक बूढ़ा राक्षस बोला बोला ये मूर्छित नहीं समझ गयो, जो कभो भी झटका दे सकत बानर है, हाँ
बानर कहां भी था पर मार सकते, इसको समझने ला। और जब पकड़ के ले गए उसको, हनुमान जी को बांध करके ले गए, वहां रावण हनुमान जी की बात हुई। रावण ने आदेश दे दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, बानर को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, हाँ पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान सब काम अपने आप हो जा रहा हूं। पावक जरत देख हनुमंता ओ भय परम लघु रूप तुरता। हा देखिए आप, इतने कपड़े लपेट दिए गए, पूंछ बढ़ती गई, लंका में कपड़ा और तेल बचा ही नहीं, सारा पूंछ ही में लग गया है, पूंछ ही में लग गया। अब जैसे पूंछ में आग लगावे, आग तो सूर्य देवता की है, और सूर्य देवता के वंश में सूर्य की सीता जी बहू है, तो माचिस की सीक लगावे तुरंत बुझ जाए, तुरंत बुझ जाए। रावण रावण बोले ऐसी क्यों लगाते हो, ढंग से लगाओ। हनुमान जी बोले बानी लगे, बानी लगे। बोले कैसी लगेगी, बोले तुम्हें फूको जब लगे, तुम फूको। अब रावण कैसे फूके बताओ, पांच छह नाए हैं, पांच छह नाए हैं, मूर ना नहीं कर पाऊ, ना नहीं कर पाऊंगे, फूकत कैसे है। अब फूके तो मूर तो नीचे खड़ी है यार। एक लड़का बोलो बोलो का महाराज दस से हंसे रावण के। हमने की हाँ, तो कल वो परत कैसे हुई है, पहले अगर परत हुई है तो कर उठा तो ले नहीं पाऊ थी भाई। हनुमान जी बोले तेज फूक तो आगे लग सकत, और जैसे ही रावण ने फूको, अब सिर तो के गड़बड़ते, बोले कुर्सी पे फूंक दे, बोले जैसे चाहे फूको। रावण ने फूंक मारी और ऐसी ज्वाला प्रज्वलित हुई कि रावण की मूछे सूचे तो भर ही गई। शुरुआत तो तैसे भाई, पहले मुखार बंद भवन को गड़बड़, अब वो थतुरन लगो पूरे दसई हाथन से, अपने हाथन लगो खुद ही मार भी गिरा भाई, जितने आग लगे स्वाद ही बुझाए। अब रावण की जब इसकी हालत हो गई भाई, पूछ है ना, और पूछ माने स्वाभिमान भाई, बंदरा की पूछ आदमी की मूछ भाई, वो तो स्वाभिमान है। हनुमान जी की पूंछ इतनी है कि पता कर लो कि हनुमान जी का स्वाभिमान कितना है, है? इस तरह से हनुमान जी ने जब आग लगाई लंका में, पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठार भयो कर जोर, मात मोह दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोह दीना। वो जब चूड़ा मणि माने उतार कर दी, उतार कर दी, उस समय जब लौट कर आ रहे चूड़ा मणि लेकर, भगवान ने कह दिया सुन कपि तोही पुरन में नाही, नहीं को सुर नर मोरे तज भारी, सुन कपि तोही पुरन में नाही, नहीं को सुर नर मोरे तज भारी, प्रति उपकार करों का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन तोरा, प्रति उपकार करों का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन तोरा। भगवान शिव जी की उस समय कथा बंद हो गई, शिव जी की कथा बंद हो गई, लेकिन कथा फिर शुरू हुई। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा पति सुनकर, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा पति सुनकर, कथा पति सुनकर, लागे कहन कथा पति सुनकर।
भीषण की शरणागति हुई, यहाँ समुद्र का पुल बना गया, समुद्र की